छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई है। कवर्धा की रहने वाली थी ये मासूम। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 28 मरीज सामने आए हैं। 11 जिलों में ये मरीज मिल चुके हैं। तो कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। 4 साल की बच्ची की मौत की खबर जो है सामने आई है। कवर्धा की रहने वाली थी मासूम, जिसकी स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के अब 28 मरीज, कुल 28 मरीज जो है वो सामने आए हैं। 11 जिलों में ये मरीज मिल चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अब नेहा केशरवानी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नेहा, अब स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है और कितनों की मौत की खबर सामने आई है फिलहाल? बिल्कुल, बीते दिनों की यदि हम बात करें तो स्वाइन फ्लू के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वक्त 28 स्वाइन फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। और वहीं कल रविवार की रात को जो है एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची की मौत की भी पुष्टि हुई है। ये बच्ची कवर्धा की रहने वाली है और 4 अगस्त को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में, समता कॉलोनी के एक निजी अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया था, जहाँ निमोनिया के लक्षण देखे गए थे और इलाज चल रहा था। वहीं पर स्वाइन फ्लू के भी लक्षण जो है बच्ची दिख रहे थे, जिसके बाद से इलाज में थोड़ी परेशानी हो रही थी और कल जो है देर रात बच्ची की मौत हो गई है। तो इस तरीके से स्वाइन फ्लू से मौत का जो ये पहला मामला है और छोटी सी बच्ची को स्वाइन फ्लू आना ये भी एक पहली जो है पहला मामला देखा जा रहा है। इसके बाद से जो है राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। ज़्यादातर जो अब तक मामले आए हैं वो 40 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों में देखे गए हैं, लेकिन ये एक पहला मामला है जिसमें छोटी बच्ची जो है स्वाइन फ्लू से उसकी मौत की पुष्टि हुई है। यदि हम बात करते हैं, बीते दिनों 2 नए केस और आए हैं, जिसमें एक बच्ची बालोद और कवर्धा, इन दोनों से एक एक जो है नए केस और आए हैं। 17 जुलाई के बाद से अब तक 28 केस दर्ज है। इसमें 9 स्वाइन फ्लू के मामले जो है वो अभी एक्टिव देखे गए हैं। रायपुर शहर में भी जो है 4 मरीजों का इलाज यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। बच्चों में भी इस तरीके के लक्षण देखने के बाद से कहीं ना कहीं राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है कि वे अपना ख्याल रखें। और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं वो कोरोना के लक्षण जैसे ही हैं, और जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उन्हीं प्रोटोकॉल को स्वाइन फ्लू के प्रोटोकॉल में भी मानकर चलना चाहिए। लोगों से दूरी बनाना, मास्क पहनना और साफ सफाई रखना, ये तीनों जो है लक्षण देखे जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के ज्यादातर मामले बहुत सामान्यतः लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सर्दी, बुखार और खांसी से ही जो है इस फ्लू की शुरुआत हो रही है। और खास तौर से ये जो मौत की पुष्टि हुई है वो इसलिए भी बताया जा रहा है कि बच्ची को पहले से निमोनिया था और स्वाइन फ्लू होने से दोनों बीमारी होने से जो है ये कवर नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ पर बच्ची की मौत हो गई है। तो इस तरीके से लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं कोरोना से भी एक मौत की पुष्टि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई है और 213 नए मामले सामने आए हैं। यदि हम बात करते हैं कोरोना के, तो कोरोना की जो सैंपलिंग है, जहां पहले 15,000 11,000 ली जा रही थी, वहां अब ये सैंपलिंग कम कर दी गई है। बिल्कुल नया केशरवानी, अब कोरोना के साथ साथ जो है स्वाइन फ्लू का खतरा भी छत्तीसगढ़ में बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए।